हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम है न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो अभी उठा हूँ मैं और एक ग्लास पानी का पिया है कोसा। तो अभी फटाफट चलते हैं बाहर, ब्रश करते हैं और नहाते हैं। और मम्मी बना रहे हैं सुबह खाना। तो इधर बन रही है अभी सुबह की चाय और बन रहा है खाना। तो देख सकते हो 6 बजे ही कितनी धूप निकली हुई है अब बाहर। चलो और फ्रेश होते हैं और करते हैं ब्रश, नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं। सुबह सुबह अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, साइकिल उठाते हैं और चलते हैं खेत को। तो अभी इधर सारे कनक निकल गई है। ये देखो तूड़ी पड़ी हुई है, ये तूड़ी जो कि भैंस और गाय को डाली आती है। तो अभी इसकी इसको पंड बांध के ट्रैक्टर के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो अभी बाबा इन क्यारों में से घास निकाल रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं उस साइड। ये देखो कितनी छोटी सी लाइन बनी हुई है, अभी काटे गए नहीं इन्होंने पंजाबी चींटियाँ, वो दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक की। ये ऐसे अभी अभी सुबह सुबह ये सारा काम कर लेती हैं, फिर जब गर्मी हो जाती है फिर सो जाती है। तो अभी बाबा इन 6 क्यारों का रेत उखा कर मतलब इकट्ठा करके फेंकेंगे। तो इधर चल रही है अभी बढ़ाई, अब इसके बनाए जाएंगे। ये सारी कनक कनक के रखी हुई है, तो इनकी अब ये इनकी अब परी बनाई जाएगी। ये देखो ये ऐसे इनकी सारी बना के रख दी है, ये पीछे पीछे ये बन रही है आगे। तो ये सारी अब बन चुकी हैं भरियाँ। तो देख सकते हो कैसे इनके बंडल बना के रख दिए, और मशीन आ चुकी है ट्रैक्टर के साथ हड़म्बा। तो ये चलेगा आधा घंटा, घंटे से ऊपर तूड़ी निकल के अलग हो जाएगी, कनक अलग हो जाएगी। तो अभी देख सकते हो ये हड़म्बा चल चुका है। देखो कितनी धूल उड़ रही है, ये सारी की सारी अब तूड़ी बन रही है। और दूसरी साइड है हड़म्बे के, वो दाने निकल रहे हैं। जब बंद होगी तो मैं इसके पास जाऊंगा, क्योंकि अभी तो इसके पास सांस लेना भी मुश्किल होता है। अभी हड़म्बा जो है वो बंद हो चुका है और बिल्कुल शांति हो चुकी है। और तूड़ी का ये ढेर लग चुका है, देख सकते हो आप ये। तो अभी दूसरी साइड दाने बोरू में डाल के रख लिए। तो अभी 1 बजने वाला है, तो चलो अब चलते हैं घर और खाना खाते हैं। मेरे को बहुत जोरों से लगी हुई है आज। तो अभी लंच आ गया है, आज बने हुए हैं वाइट बैंगन, चने, साथ में है सैलेड, खीरा, लस्सी। फटाफट खाते हैं और करते हैं थोड़ी सी रेस्ट, चलते हैं खेत को। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत और बच चुके हैं 2। तो मैंने साथ में अभी ली है 10 रुपये की आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला भाई आया हुआ है तो उससे ली है। चलते हैं और खेत में खाते हैं। और देखो इधर बिल्कुल शांति हो चुकी है खेत में। अभी इतनी ज़्यादा धूप है ना, कोई भी खेत में नहीं है। जब शाम को लगेंगे ठंडे हुए थे 3-4 बजे के बाद सभी। अभी मैं आधा घंटा सो के आया हूँ, तो अभी आइसक्रीम पिघलने लगी है। फटाफट इसको करते हैं ख़त्म और फिर से थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। तो कभी भी कोई हमारा कस्टमर हमारे खेत में आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे खेत में घास नहीं होता, तो हम घास होने नहीं देते। जैसे ही हल्का हल्का घास होता है तो इसको उठा के हम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हल्का हल्का सारा घास है, इसको अभी हमने वो इकट्ठा करके और साफ़ करके फेंकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है इसके ऊपर बीज लग जाते हैं घास के ऊपर, और बीज झड़ जाते हैं तो उसको उठाए का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बीज तो और जो है आगे उग जाएंगे। बीज लगने से पहले ही इसको हटा दो। तो अभी बच चुके हैं 6, करते हैं छुट्टी बाबा की। मैंने बाबा को बोल दिया, बट जो थोड़ा सा रहता है ना एरिया बाबा करके ही आएंगे, क्योंकि वो काम करना पूरा उनको पसंद है, कि जिस चीज़ को मतलब खेत को हल
कैरी को शुरू किया, उसको ख़त्म करके ही आते हैं। तो अभी धूप बिल्कुल शांत हो चुकी है, हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम जो पक्षियों की आवाज़ आती है ना, वो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। बाबा आ गए। तो अब इस साइड कनक जो उठाई जा रही है, इसको भी मतलब कल तक ये भी तोड़ी और दाने निकल जाएंगे। अभी मैं हूँ बाबा के किचन गार्डन में। बाबा ने यहाँ पे मिर्च, बैंगन, हरी बैंगनी सब कुछ लगाया हुआ है। इधर बाबा ने ये लगाए हुए हैं हरी बैंगनी के पौध। ये अब इसकी एज हो चुकी है पौधों की 2 साल। ये देखो सब भरे रखे हैं हरी बैंगनी। देखो ये भी लगी हुई है, इधर लगी हुई है नीली बैंगनी। ये 2 पौध, ये 3 पौधे लगे हुए हैं। उस साइड लगा दिए बाबा ने मिर्च। बाबा हल्का हल्का पानी डालते हैं रोज़ शाम को इनको। ये भरथे वाला बैंगन लगा हुआ नीला। अभी इनकी एज हो गई है ना, अब ये सूख जाएंगे और इनको बीमारी पड़ रही है। ये इसको कहते हैं यूं, जूं पड़ी हुई है ये बहुत सारी, और इसके साथ पत्ता झड़ जाता है। जूं जो पड़ती है ना सभी को, ये देखो ये इसको यूं पड़ चुकी है, ये पत्ता झड़ जाएगा। अब इधर मिर्च लगी हुई है सभी को, और अच्छी भली मिर्च लगी हुई है। बंद गोभी लगी हुई है। इन दिनों में जो भी बंद गोभी आपको मार्केट में मिलेगी उसको बहुत ही ज़्यादा स्प्रे होती है, क्योंकि इन दिनों में कीड़ा पड़ जाता है, और जिसको कीड़ा नहीं है समझो उसको बहुत ज़्यादा स्प्रे हो रखी है। अभी मैंने आके चेंज किया और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट दवाई वगैरह जो भी करनी है प्लांट्स को लेने के लिए। अभी मार्केट से स्प्रे वगैरह तो मैं लेके आ गया हूँ, तो अभी स्प्रे वाला पंप लेने जा रहा हूँ खेत में से, ताकि अभी रातों भर वो चार्जिंग हो जाए और मॉर्निंग मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। तो आके फटाफट नहाते हैं, क्योंकि पूरे मार्केट में धूड़ धूड़ हो रखी है, क्योंकि सभी गाँव में मतलब कनक वगैरह निकल रही है। तो अभी मैं जस्ट चेंज करूँगा फिर नहा लूँगा। तो अभी मैं ये पंप लेके आया हूँ, तो अभी फटाफट इसको लगाते हैं चार्जिंग। तो अभी मैंने ये चार्जिंग लगा दिया है वहाँ से, और रेड लाइट आ गई और ये सुबह तक ग्रीन हो जाएगी। फटाफट नहाते हैं और खाते हैं खाना, भूख लगी है जोरों से। अभी मैं नहा के आ गया हूँ, तो मम्मी बना रहे हैं इधर दही। तो अभी बन रहा है दही, दही में डल रहा है खीरा। दही मेरे को रात में खाने के लिए अच्छा लगता है, और खीरा बहुत ही डल के इसमें टेस्टी लगता है, और काला नमक डाल के काली मिर्च। तो आज बनी हुई है रामतोरी। इन दिनों में 2 टाइम और आगे गर्मियों में 3 टाइम नहाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाएगी आगे आगे। अभी तो बस जो धूल पड़ती है उसके साथ खारिश होती है फेस पे। तो चलो अब खाना खाते हैं और ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। तो ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा सिंपलनेस और जैसा मेरा रहना सहना है वैसे ही मैं दिखाता हूँ। तो चलो अब करते हैं खाना खाते हैं, और आप भी खाना खा लो अभी। गुड नाइट, टेक केयर।